अञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शोपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु पुत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवतम में पहला स्कंद का 13वां अध्याय जिसका शीर्षक है धृतराष्ट्र का गृह त्याग। तो ऐसा है, महाभारत युद्ध खत्म हो चुका है, अब धृतराष्ट्र जो है वो युधिष्ठिर महाराज जी के शरण में है, युधिष्ठिर महाराज जी के आश्रय में है। और इस समय विदुर जो है वो तीर्थ कर रहे थे और तीर्थ करते करते उनको लगा कि मुझे धृतराष्ट्र को जगाना चाहिए। धृतराष्ट्र भौतिक रूप से भी अंधे थे और आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे, तो इसी कारण विदुर घर वापस आते हैं। घर वापस आके वो धृतराष्ट्र को कुछ उपदेश देते हैं और ये इसी से वो बताना चाहते हैं कि समय जो है उसका क्या क्या गुण है। तो वहाँ से यहाँ से हम बस 10 श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं, एवं गृहसु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामद विज्ञातः कालः परम दुस्तरः। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। फिर कह रहे हैं, महात्मा विदुर महात्मा विदुर
ये सब जानते थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल जाइए, विलंब न कीजिए, जरा देखे तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। धृतराष्ट्र किसके घर में है, जिनको उन्होंने सभी प्रकार के नष्ट करने का प्रयत्न किए थे, कभी भीम को जहर पिलाए थे, कभी द्रौपदी महारानी को अपमानित किए थे, कभी उनकी इच्छा थी कि उनके बेटा ही राजा बनेगा और ये सब मर जाएंगे, लाक्षागृह को जला दिया गया था, और उसके बावजूद, इतना होने के बावजूद भी अभी वो क्या है, आराम से जो है उसी के घर में रह रहे हैं जिनको वो पहले शत्रु मानते थे। तो इसी कारण विदुर जो है उनको थोड़ा जगा रहे हैं। फिर कह रहे हैं, इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुँचे हैं। जो भी सर्वोपरि काल शाश्वत समय के प्रभाव में ही उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है, अन्य वस्तुओं तथा धन सम्मान संतान भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं है। आपके पिता भाई शुभचिंतक तथा पुत्र सभी मर चुके हैं और दूर चले गए हैं, आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है, अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप पराए घर में पड़े हुए हैं, आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं, आपकी स्मृति कम हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है, आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत खराब हो चुका है और आपके कफ निकल रहे हैं। विदुर जो है वो यमराज ही थे, एक मंडुक ऋषि उनके श्राप के कारण यमराज जी जो है उनको श्राप मिला था, 100 साल के लिए तुम भूलोक में जाओगे, तो इसी कारण उन्होंने जो विदुर का रूप लेकर आए थे, विदुर रूप में जन्म हुए थे। और देखा जाए तो विदुर जो है सबसे जो है जो बड़ा शुभचिंतक थे किनके, धृतराष्ट्र के। फिर कह रहे हैं, ओहो, प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है, निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। इस प्रकार है जो है धृतराष्ट्र को विदुर कह रहे हैं, आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है, उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया है और उनका राज्य तथा धन छीन लिया है, मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा और पुराने वस्त्र के भांति नष्ट हो जाएगा। वो धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वो निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास हो जाएगा, क्योंकि कलयुग आने वाला है, द्वापर युग खत्म हो रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जल्दी जो है आप चले जाइए। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि समय के बारे में विदुर कैसे धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं। तो इसी प्रकार हमारे जीवन का भी
एक बैलेंस शीट है जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट ऑफ लाइफ। हम भी अपने जीवन में देखिए, देखा जाए तो बहुत लोग एक तारीख को रेजोल्यूशन बनाते हैं, है कि नहीं, कि हाँ इस साल हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या होता है कि बाद में बस 10 दिन 15 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है, इतना ये सब ना बना के कम से कम हम आज समझे कि समय का क्या वैल्यू है, समय का क्या वैल्यू है। अगर हम उसको समझ जाएंगे तब जो है हमारा ये जो भी हम रेजोल्यूशन बनाए या उसको पालन करें इसका कुछ महत्व होगा, नहीं तो ऐसे ही हम रेजोल्यूशन बनाते रहेंगे और उसको तोड़ते जाएंगे। तो इसी प्रकार कि हमें भी हफ्ते में कम से कम क्या करना चाहिए कि डायरी में लिखना चाहिए कि इस हफ्ते मैंने क्या गलती किया है और क्या सही किया है, चाहे 2 लाइन हो एक लाइन हो, हर हफ्ते हम लिखेंगे। फिर 6 महीने के बाद हम उसको चेक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम मतलब ऐसे करते करते जैसे 8 साल 10 साल 15 साल बीत जाएगा तो हमारे पास बहुत कुछ रह जाएगा कि हाँ हमने ये सीखे हैं और ये गलतियाँ की हैं और इसको जो है हमें इम्प्रूवमेंट करना है, इसको सुधारना है। कहते हैं कि गलती करना प्रकृति है और मान लेना संस्कृति है और उसको सुधार लेना प्रगति है। बोले हरि बोल। इस साइड में हरि बोल आवाज़ हो रहा है, चुप रहिए। आप लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो समय को समझना। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सेशन जो दे रहा हूँ वो मेरे लिए भी, मैं अपने लिए भी दे रहा हूँ। आज जो देखा जाए तो 2016 में हमने यहाँ पे इस्कॉन स्थापित किए थे और आज मैं 5 जिला में एक्सपैंड किया हूँ, 5 जिला में देख रहा हूँ। और इतने सब होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं जो समय वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए ये मैं आपके लिए भी चर्चा का विषय रखा हूँ और अपने लिए भी ये चर्चा का विषय रखा हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको क्या है एक एक्सपीरियंस मिलेगा। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, एक सच यह है कि तजुर्बा आपको गलत फैसला से बचाता है, उससे भी बड़ा सच यह है कि तजुर्बा गलत फैसला से ही आता है। सही कह रहे हैं? तो गलत डिसीजन से ही एक्सपीरियंस आता है और उस बैड एक्सपीरियंस से फिर क्या आता है, सही डिसीजन आता है, सही कि नहीं? तो इसी प्रकार मेरे कहने का मतलब है, ये अगर आप करेंगे तो क्या होगा, आपका जो है जो बैड एक्सपीरियंस है और उस बैड एक्सपीरियंस से क्या टीचिंग्स है और उस टीचिंग से कैसे आप गुड डिसीजन लेंगे, ये आपके जो है ये आप सीख जाएंगे अगर ऐसे आप करेंगे तो, है ना। नहीं तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, चंद सिर्फ चले खुदा की तलाश में, बाकी सब तो है रोटी के जुगाड़ में, है कि नहीं? नहीं तो मतलब कहने का मतलब बहुत कम लोग हैं जो कि समय का वैल्यू जानकर हैं अपने आप को जो है समय के साथ साथ अपना भौतिक जीवन को भी करते करते जीवन मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है उस परम लक्ष्य के ओर जा सकते हैं। नहीं तो बाकी तो सब ऐसे ही हैं दौड़ रहे हैं, है कि नहीं? वक्त ये कैसे पहली दे गया, उलझने को जिंदगी और समझने को उम्र दे गया, है कि नहीं? वक्त ही सब कुछ हमें क्या करता है, सिखा देता है। तो इसलिए
ये वक्त की जो कीमत है उस वक्त की कीमत को हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, है कि नहीं। कोई किसी को भी आप पूछेंगे, है कि नहीं, कि आप जो है एग्जैक्ट टाइम बताइए, कोई बता सकता है एग्जैक्ट टाइम? आप जैसे ही बताएंगे मेरे पास पहुंचते पहुंचते वो समय चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए वक्त दिखाई नहीं देता लेकिन दिखा देता है वक्त कैसा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि बाल बढ़ रहा है, लेकिन आप बाल बढ़ रहा है या नाखून बढ़ रहे हैं तो ये आपको नहीं दिखाई देता कि कैसे कैसे धीरे 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 बढ़ रहा है। दिखता है क्या? नहीं दिखता ना, बट धीरे धीरे क्या हो जाता है, दिखा देता है वो। हाँ, समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको समय दे सके। आप चाणक्य पंडित कहते हैं कि चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक मुहूर्त अगर चला गया आपका तो क्या है कि अगर आप पूरे पृथ्वी का सारे धन इकट्ठा करके अगर आप उसको दे देंगे फिर भी वो समय आपके पास वापस नहीं आएगा। तो समय जो है कितना महत्वपूर्ण है, है कि नहीं। आस और खास में जिंदगी निकल जाता है, है कि नहीं। इसलिए चाणक्य शंकराचार्य कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्ध याति गृहत्वा दंडम तत् अपि न मुच्यति आशा पिंडम। वृद्धावस्था में अंग गलित या ढीले व निष्क्रिय हो चुकते हैं, शीर के बाल पक जाते हैं, मुख दंत विहीन हो जाता है और इस अवस्था को प्राप्त बूढ़ा व्यक्ति लाठी लेके चलता है, इतने सब के बावजूद भी जीवन की आशा पिंड नहीं छोड़ती। जिस प्रकार धृतराष्ट्र जो है कहाँ पे है, युधिष्ठिर महाराज जी के पास है, इतना सब होने के बावजूद भी पड़े हुए हैं, अटैच हो गए, आसक्त हो गए। तो इस प्रकार समय जो है बीत जाता है। तो हम देखेंगे, कुछ हिस्ट्री से देखेंगे कि कितने जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे या बड़े बड़े व्यक्ति थे उनके साथ क्या हुआ। मीना कुमारी, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब आपके ज़माने में हीरोइन होंगी, बहुत टॉप क्लास की हीरोइन थी। मतलब इवन उसको जो हीरो थे उस समय वो भी डरते थे उसको, मतलब इतना उसका वो था। तो लेकिन एक बार क्या हुआ कि मीना कुमारी जो है वो किसी जंगल में गई थी शूटिंग करने के लिए साउथ इंडिया में, और वहाँ पे एक डकैत जो है वो आ गया, एकदम अपना सब गैंग लेकर आ गया। तो सब डर गए, सब डर गए और पूरा एकदम अंदर आया, कुछ कोई कुछ कर नहीं सका और आके मीना कुमारी के पास पहुंच गया। सबने कहा पता नहीं क्या करेगा, और उसने क्या किया कि अपना छाती खोला और एक चाकू मीना कुमारी को दे दिया, बोला ऑटोग्राफ प्लीज़। तो उसने जो है वो चाकू से ऑटोग्राफ लिखे, जो भी है। लेकिन आखिर समय में जो है मीना कुमारी अकेली ही उसने जो है वो मर गई डिप्रेशन में, अकेली ही, मतलब कोई नहीं था उसका आखिर समय में। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से पता चलता है कि समय को आप अगर सदुपयोग नहीं करेंगे तो एक समय में वही समय आपको भय देगा, लेकिन समय को आप अगर सदुपयोग करेंगे तो क्या होगा, वो आप आराम से रहेंगे। लेकिन अगर दुरुपयोग करेंगे समय को, अगर आप सदुपयोग नहीं करेंगे तो एक समय में भय देगा। और देखिए आंद्रे अगासी कितना बड़ा जो है जो टेनिस प्लेयर था, अगर आप उसके लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, वो कहता है कि हाई हेड टेनिस ऐसे लिखता है, ये तो मजबूरी था, मैं जो खेल रहा था। और ये कौन है,
सहारा, सबको सहारा देने वाले बेसहारा हो गए अंतिम समय में। 2-3 दिन तक डेड बॉडी पड़ा रहा। इस सदी में सबसे ज्यादा सबसे बड़ा शादी का खर्चा करने वाला, 2005 में दो बेटे का शादी किया था, 500 करोड़ रुपए खर्चा किया था एक शादी में। 10,000 VIP आए थे उस शादी में और वो व्यक्ति अंतिम समय में उसके पास कोई नहीं आया, उसका बेटा उसकी पत्नी सब विदेश में है, कोई नहीं आया उसको मुखाग्नि देने के लिए। 2 दिन तक उसका डेड बॉडी पड़ा रहा। सबको सहारा देने वाला क्या हो गया? बेसहारा हो गया। तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, पर्दा गिरते ही खत्म हो जाते हैं तमाशे सारे, खूब रोते हैं फिर औरों को हंसाने वाले प्यारे। यही जिंदगी है, सबको जो हंसाते हैं वो खूब रोते हैं। आप देखिए, अभी जो कई मोटिवेशनल स्पीकर है जो सबको मोटिवेशन देते हैं, कोरोना के समय में डिप्रेशन में चले गए। आप देखिए, आप जाइए यूट्यूब में सर्च कीजिए, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जिनका जो है 3 करोड़ सब्सक्राइबर है, वो कोरोना के समय में डिप्रेशन में चले गए और डिप्रेशन का मेडिसिन खाने लगे, है ना। तो इसलिए आपको पता है दिल और हार्ट का क्या अंतर है, कोई बताना चाहेगा? जवानी में जब धड़कता है तो उसको दिल कहते हैं और बुढ़ापे में धड़कता है तो उसको हार्ट कहते हैं, है कि नहीं? तो ये जो है समय को सही से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो क्या देगा? भय पैदा करेगा। नेपोलियन बोनापार्ट एक समय में वो कहते थे, नेपोलियन बोनापार्ट इज फ्रांस एंड फ्रांस इज नेपोलियन बोनापार्ट। तो श्रील प्रभुपाद जी जब गए फ्रांस में तो प्रभुपाद जी कहे कि फ्रांस तो है लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ है। ऐसे कई हिस्ट्री है, आप ले लीजिए मोहम्मद अली, ही वॉज ए ग्रेट बॉक्सर, है ना, बॉक्सर था, बहुत बड़ा बॉक्सर था। और जब वो उस समय कहता आई एम द ग्रेटेस्ट, उसका स्लोगान था आई एम द ग्रेटेस्ट, लेकिन जब 1992 या 94 में जब ओलंपिक्स हो रहा था उस समय उसको जस्ट उसको इनॉग्रेट करने के लिए एक टॉर्च लाइट जलाना था और उसको हो गया था पार्किंसन डिजीज। पूरी पृथ्वी देख रहा है, 15 मिनट लगा, कई लोग उसको हेल्प किए, असिस्ट किए, तब जाके वो एक टॉर्च लाइट को जला पाया, 15 मिनट लगा। उसके बाद उसको जो मीडिया मैन पूछे कि एक समय में आप कह रहे थे आई एम द ग्रेटेस्ट, वो स्लोगन का क्या? बोले यस आई एम द ग्रेटेस्ट फूल बिकॉज गॉड इज ग्रेटेस्ट। तो इसी प्रकार कई इतिहास है। ये औरंगजेब ले लीजिए, औरंगजेब जो है सब जगह में जीत रहा था और जब महाराष्ट्र में पहुंचा उसके बाद 3 लाख सोल्जर्स थे लेकिन कैसे भी करके वो महाराष्ट्र को जीत नहीं पाया। बहुत प्रयास किया और बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया, बार बार जो है महाराष्ट्र को जीतने के लिए प्रयास कर रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था। और 3 लाख सोल्जर्स थे उसके पास और वो एक समय में पृथ्वी का सबसे बड़ा धनी था औरंगजेब, लेकिन वो 3 लाख सोल्जर्स को उसको मेंटेन करते करते उसका सारा धन
चला गया और उसने फिर आखिर में पागल होकर पूछा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये सब इतिहास है ना। लेकिन आज जो है हम देखें तो हमारा समय बहुत ज़्यादा समय तो कहाँ चला जाता है, मोबाइल में। इसलिए आज कहते हैं, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, इंसान गिरे तो हंसी निकलती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाते हैं। इतना लोग जो है क्या हो गए, मोबाइल के प्रति आसक्त हो गए, अटैच हो गए हैं, है कि नहीं। तो कितना समय बर्बाद हो जा रहा है। और आज के जो यूथ, इसमें बहुत सारे यूथ भी है, यूथ का तो क्या है, आज दीदार कल यार, परसों प्यार, फिर इकरार, फिर इंतजार, फिर तकरार, फिर दरार, फिर सारी मेहनत बेकार, आखिर में बियर बार, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है समय का जो है सदुपयोग करना चाहिए। कहने का मतलब समय का जो महत्व है उसको हमें क्या करना चाहिए, हमें जानना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। मेरे पीछे दोहराइए, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राई, दिल में मंजिल यूं ही नहीं मिलती राई को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है, पूछ चिड़िया से घोंसला कैसे बनाता है, बोली तिनका उठाना पड़ता है, बहुत मेहनत करता है ना। तो इसी प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा जो है, मेहनत करना पड़ेगा और समय को बचाना होगा, समय को सही यूटिलाइज करना होगा। और इसी कारण जो है, और देखा जाए तो भगवान क्या कह रहे हैं, कालोस्मि अहम्, मैं ही काल हूं। और अगर आप भगवान जी को समय देंगे तो देखिएगा आपका जो समय है वो समय कितना जो है बढ़ जाएगा। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देकर विराम दूंगा, प्रवचन का विराम दूंगा, कि जैसे आप लोग सुने होंगे कि जैसे द्रौपदी महारानी जब शिशुपाल का वध हो गया और वो जो सुदर्शन चक्र वापस आया तो भगवान जी के उंगली में एक थोड़ा सा चोट आ गया, खून निकलने लगा। तो द्रौपदी महारानी ने क्या किया कि अपनी साड़ी को फाड़ के, तो वो क्या की कि द्रौपदी जो भगवान के उंगली को ऐसे बांध दी ताकि खून रुक जाए। और इसी कारण भगवान जो है द्रौपदी महारानी के लिए एक वस्त्रावतार बन गए, मतलब वस्त्र का अवतार बन गए। जब द्रौपदी महारानी का चीरहरण होने का प्रयास किया जा रहा था तो भगवान क्या बन गए, वस्त्र का अवतार बन गए। तो भगवान कभी भी किसी का ऋणी नहीं रहते। थोड़ा सा जो द्रौपदी महारानी क्या दी थी, कपड़ा बांधी थी, और उसके लिए भगवान एक वस्त्र का अवतार बन गए। एक बार और हैं जो है द्रौपदी महारानी अक्षय पात्र से एक दाना खिला दी भगवान जी को, और दुर्वासा ऋषि के 10,000 शिष्य उनका पेट भर गया। या आप सुदामा ले लीजिए, थोड़ा सा एक मुट्ठी चिड़वा हो या चावल हो जो भी है उन्होंने भगवान जी को दिया था।
और भगवान ने क्या किया, पूरे गांव को महल बना दिए। सुदामा जब वापस आए वो पहचान नहीं पाए कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ। उसके बावजूद भी भगवान ने कहा कि मैंने सुदामा को क्या दिया है, क्यों? क्योंकि सुदामा ने तो भिक्षा करके, किसी के घर से भिक्षा करके उसने मुझे देने के लिए आया था, मैं किससे भिक्षा करूं, क्योंकि ये पूरा जगत तो मेरा है। अगर मैं किसी से भिक्षा करके अगर उसको देता तब जाके बराबरी होता। बोले हरे कृष्णा। तो इसी प्रकार भगवान जो है वो किसी का ऋणी नहीं रहते हैं। इसी प्रकार अगर आप भगवान जी को एक घंटा देंगे तो भगवान आपको कई घंटा वापस करेंगे, यही प्रिंसिपल है, ना? तो आपको यही प्रार्थना था कि आप जो है समय को, समय का कीमत को समझिए और इसी प्रकार अपने जीवन के साथ साथ रोज भगवान जी को भी जो है थोड़ा थोड़ा समय प्रदान कीजिए। बोले हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, एक दो प्रश्न अगर है तो ले सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा। कैसा लगा आप सभी को प्रवचन? तो आशा करते हैं प्रभु जी का जो संदेश था, मूल संदेश था, वो आप लोगों तक पहुंचा हो। और आप सभी में से अगर कि कोई अगर जिज्ञासा किन्हीं के पास हो, किसी तरह का कोई टीका टिप्पणी, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं आप लोगों में से कोई भी। तो ठीक है, प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सभी, हम सभी की ओर से। हम सब लोग प्रभु जी को एक बार हृदय से धन्यवाद देंगे इस सुंदर सा संदेश देने के लिए। हम सभी के बीच में एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम लोग इनका, प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे सामने एक डांस प्रस्तुत किया जाएगा, थोड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम। उस